अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रहीम यार खान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रहीम यार खान में बरातियों से भरी कश्ती दरिया सिंध में उलट गई। दरिया से 19 अफराद की लाशें निकाल ली गई। अब तक भी मुतद्दद अफराद की तलाश जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर सादकाबाद के मुताबिक दरिया सिंध में 50 से ज्यादा बरातियों से भरी कश्ती सरदारपुर से वापस आ रही थी कि माशका के मकाम पर उलट गई। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर डूबने वाले 35 अफराद को जिंदा बचा लिया, जबकि 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई थी। बाकी डूबने वाले अफराद को निकालने के लिए इतला मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मजीद अफराद की लाशें निकाली गईं। कई अफराद की अब भी तलाश जारी है। मकामी अफराद के मुताबिक कश्ती में खवातीन और बच्चे भी सवार थे। और नाज़रीन, पिशावर, इस्लामाबाद, मुल्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 5.4 थी, जबकि मरकज वारना के शुमाल में 64 किलोमीटर दूर था। जलजिला पैमा मरकज का कहना है कि जलजिला ज़ेर ज़मीन 188 किलोमीटर गहराई में आया। शुमाली वजीरस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और इस्लामाबाद में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। मुल्तान शहर और गिरदोनवा में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा मालाकांड, सवात और गिरदोनवा में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। ताज़ा तरीन वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि आपको मिले हर खबर सबसे पहले।